तबादलों का दौर लगातार चल रहा है। सुरेश राव एक कुलकर्णी, लखनऊ में एसपी बनाए गए। अमित कुमार को एसपी हरदोई के पद पर तैनात किया गया। अनुराग वत्स एसपी कानपुर देहात होंगे। साथ ही साथ तबादला सूची के मुताबिक हम आपको बता दें कि राम अभिलाष त्रिपाठी एसपी ट्रैफिक मुजफ्फरनगर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह से 13 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए हैं, यानी कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले सुरेश राव एक कुलकर्णी लखनऊ में लगाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुष्कर्म के मामले में हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए प्रजापति के खिलाफ अब धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। चित्रकूट की रेप पीड़िता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर रेप पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दर्ज करवाई गई है। वादी ने धोखाधड़ी, जालसाजी के पुख्ता सबूत पुलिस को दिए हैं। वादी का यह कहना है कि मामले को रफा दफा करने के लिए रेप पीड़िता और आरोपी के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ है। वकील का आरोप है कि मामले में गायत्री प्रजापति ने पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर की है, जिसके पुख्ता प्रमाण पुलिस को सौंपे गए हैं। यह मामला उस वक्त पलट गया जब रेप पीड़िता ने कोर्ट में गायत्री प्रजापति के पक्ष में बयान दिए और गवाह राम सिंह के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद 5 सितंबर को पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, राम सिंह को गिरफ्तार करने में 2 सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह गौतमपल्ली और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अजीत सिंह को सस्पेंड भी किया गया। राम सिंह की गिरफ्तारी में दोनों इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मिली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विजय, अब क्या यह माना जाए कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है और वकील की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये बताया गया है कि किस तरह से पहले ये रेप पीड़िता जो है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आरोप लगा रही थी, लेकिन जब करोड़ों की संपत्ति यहाँ पर उसके नाम पर ट्रांसफर की गई तो ये कोर्ट में उसके पक्ष में गवाही दे रही है और उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता है जो व्यक्ति इस पूरे मामले पर पहले से गवाह था। तो जाहिर है कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर ऐसे महिलाओं पर कि जो ऐसी चीज़ों का जो कानून जो है बनाए गए हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, उस कानून का सहारा लेकर के ऐसे कामों को करने को लेकर के मुझे लगता है इस पूरे मसले की जाँच होनी चाहिए, बड़ी गहनता के साथ पूरी जाँच होनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई इस महिला के ऊपर होनी चाहिए जिसने इस तरह का पूरा नाटक रचा, इस तरह का पूरा उसने इस पूरे काम को अंजाम दिया, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति पिछली सरकार में खनन मंत्री थे और इसके गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर आरोप लगे थे। यहां पर गैंग रेप के आरोप थे, नाबालिका के साथ यहां पर रेप के आरोप थे और इस महिला की तरफ से लगातार गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ गवाही दी जाती रही, जिसके तहत यहां पर गायत्री को जेल भी जाना पड़ा और अब इस पे गायत्री के पक्ष में गवाही देना, वो भी तब जब कोई करोड़ों की संपत्ति जो है वो महिला के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह साफ तौर से दिखता है कि जो कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं उन्हीं कानूनों का फायदा उठा करके ऐसी महिलाएं जो हैं वो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं और ब्लैकमेल का तरीका इतना गंदा होता है कि उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है, उस व्यक्ति को अब यहाँ पर अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ती है। तो जाहिर है कि बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इस कानून को लेकर के, इस पर जाँच अधिकारी के ऊपर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर महिला ने गायत्री के पक्ष में गवाही दी है तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि उनकी जांच प्रक्रिया किस तरह से थी। लेकिन ये जो पूरा मामला है विजय, इसमें पीड़िता के वकील ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और क्या अब इस मामले को कानूनी पहलुओं से उस तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो जो जमानत पर गायत्री प्रजापति बाहर है वापिस से अंदर जाने की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो कि जांच के दायरे में आती हैं और सही पाई जाती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर शायद दोबारा जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन इस बार जो है उस महिला को भी जेल जाना पड़ सकता है जिसने इस पूरे मसले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से कई सालों तक लगभग 3 साल हो गए हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल के अंदर ही रहना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है इस महिला के ऊपर कि इस महिला ने जिन तथ्यों के तहत आरोप लगाया
लगाए थे, आखिर ऐसा क्या बदला जिसके बाद यहाँ पर गायत्री के पक्ष में गवाही देनी पड़ी? और अगर आप गायत्री के पक्ष में गवाही तब दी है जब उसके पहले कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये मामला जो है वो ब्लैकमेलिंग का साफ तौर से दिखता है कि यहाँ पर पहले इतने सारे आरोप लगा दो कि व्यक्ति को जेल भेज दो और उसके बाद उसे ठीक तरीके से आप ब्लैकमेल करो, करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवा लो और उसके बाद फिर उसे छोड़ दो। बिल्कुल एक वैसा ही खेल यहाँ पर नजर आ रहा है और इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक बार फिर से इस पूरी महिला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन महिला को गिरफ्तार करके कड़ाई के साथ पूछताछ की जानी चाहिए और मामला सही पाए जाने के बाद इन माँ बेटी को जेल भेजना चाहिए जिन्होंने इस तरह के कृत्य का, इस तरह के घिनौने अपराध को यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह की चीजों को जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए बनाया गया है, उस कानून का इन्होंने इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपने आप को न सिर्फ धनाढ्य किया, अपने आप को न सिर्फ पैसे दिलाए बल्कि सहानुभूति के साथ में एक कैबिनेट मंत्री को जेल भी भिजवाया। तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल खड़ा होता है इस महिला के ऊपर और बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई कड़ी की जानी चाहिए। बिल्कुल विजय, लेकिन क्या गायत्री की ओर से इस पूरी शिकायत को लेकर के कोई पक्ष आया है या पीड़ित महिला का पक्ष भी सामने आया है इस दौरान? क्योंकि अब देखिए जांच का विषय है कि आखिरकार कितनी संपत्ति ट्रांसफर की गई, कितनी संपत्ति पीड़िता के नाम की गई है और क्या इसी वजह से पीड़िता ने अपना बयान बदला, दूसरे पर आरोप लगाया जो इस पूरे मामले में गवाह था। देखिए मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की जांच जो है, जो वकील साहब थे इसमें उनकी शिकायत के आधार पर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल है, कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है और यही वजह थी जिसकी वजह से इस पूरे मसले को लेकर के मीडिया ने त्वरित रूप से दिखाया था और जाहिर है कि एक महिला की सहायता करने के लिए मीडिया ने इस पूरे मसले को दिखाया था और जाहिर है कि महिला अगर इस तरह की है कि जो ऐसे ही कानूनों का फायदा उठा रही है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार रिव्यू के लिए की जानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कानून जो हैं वो महिला की सहायता के लिए बनाए गए, महिलाओं की प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की शिकायत जब हुई है तो इस पूरी शिकायत की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और जांच के बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इसके पीछे का खेल क्या था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उधर महोबा में खनन उगाही के खेल में आखिरकार नया खुलासा हुआ है। क्रेशर और विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की भतीजी शिप्रा पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शिप्रा पांडे महोबा प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही शिप्रा पांडे ने पुलिस के अपने चाचा के परिवार वालों को जान का खतरा बताया पुलिस से। शिप्रा पांडे ने सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा पांडे है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी मदद करें। हमारा पूरा परिवार आज संकट में है। मेरे चाचा इंद्रकांत त्रिपाठी जो कबरई के लाइसेंसी विस्फोटक और क्रेशर के व्यवसायी हैं, 8 तारीख को एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा उन्हें गोली मरवाई गई। मेरे चाचा को उनकी हत्या की एसपी द्वारा आशंका पहले से ही थी क्योंकि एसपी मणिलाल पाटीदार ने उन्हें बुलाया था और उनसे कहा था कि तू मुझे हर महीने 6 लाख रुपये दे, अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे परिवार और तुझ पर इतने फर्जी आरोप लगा दूंगा सट्टेबाज के और अवैध विस्फोटक के कि तू चाह कर भी कभी भी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। चाचा ने कहा कि मेरा धंधा ठप पड़ा है सर, मैं आपको हर महीने 6 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। इस पर उन्होंने खूब गाली गलौज किया और ये कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया, किसी भी मंत्री का फोन करवाया, किसी को भी मेरे खिलाफ कंप्लेन की तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगा। चाचा देने में असमर्थ थे इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे सबूत पत्रकारों को देंगे और साथ ही साथ उन्होंने लिखित रूप में सबूतों के साथ शिकायत योगी आदित्यनाथ जी को की थी। इसकी भनक एसपी को लग गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ही पहले 8 तारीख को उन्हें यहां पर उसने गोली मरवा दी और आज मेरे चाचा की हालत इतनी गंभीर है, वो कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उनकी हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार सकते में है और हम सभी को डर है कि हमारे पूरे परिवार पे कोई संकट ना आए क्योंकि चाचा को अगर कुछ भी हो गया वो कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना। तो शिप्रा के वीडियो से पहले चूंकि ऑडियो वायरल हुआ था व्यापारी का और उसमें कई आरोप लगाए गए थे, साथ ही साथ अब व्यापारी की भतीजी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गुहार लगाई गई है कि उन्हें न्याय मिले, पुलिस से उनको खतरा है।
फिलहाल इस पर अब जांच होगी, क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्त उछला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आप देखिए 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2।